आप रोज बयान देते हैं माफिया मध्य प्रदेश से भाग जाओ, टांग तोड़ दूंगा, गाड़ दूंगा, लटका दूंगा, और अलग अलग तरह की भाषा बोलते हैं जो मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। दूसरी तरफ लगातार लोगों की हत्याओं में मध्य प्रदेश रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, और राजनीतिक द्वेष भाव से अपराध कराना, संरक्षण देना प्रशासन ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर दमन करने के लिए, खासकर विपक्ष की पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की हत्या होना, ये मध्य प्रदेश की परंपरा नहीं थी। ये हत्या एक पुष्पराज सिंह जी हमारे पिपरिया के सुहागपुर के अध्यक्ष थे, उनको जेल में बंद है 5 दिन से 8 दिन से, इसलिए कि उन्होंने किसानों की आवाज उठाई। दमन करना है विपक्ष का। ये शिवराज सिंह चौहान जी का प्रशासन जिस तरीके से संरक्षण दे रहा है अपराधियों को, अपराध को, और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में दे रहा, आरोप है मेरा। एक परिवार के हमारे साथी की हत्या हुई है। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश का एक एक निवासी, एक एक परिवारजन इस भावना को देख रहा है कि मध्य प्रदेश को ये किस तरीके से सबसे बड़ा अपराधियों की राजधानी बनाना चाहते हैं। और शिवराज सिंह चौहान इतिहास में याद रखे जाएंगे, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या तो की, सत्ता में जबरदस्ती बैठे ही बैठे अब अपराधियों को संरक्षण देने लगे और अपराध के खिलाफ बयान देते। ये बताता है कि इनकी करनी और कथनी। कमलनाथ जी ने संज्ञान में लिया है पूरे घटनाक्रम को, बहुत जल्दी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल भी वहां जाने वाला है। मैं मानता हूं इस पर सरकार ने आगे आकर दूध का दूध पानी का पानी अपराधियों पर कार्रवाई करना चाहिए। मध्य प्रदेश का ऐसा चेहरा नहीं है जैसा हो रहा है, और मैं मानता हूं कि इसको एक एक परिवार का जिन भारतीय जनता पार्टी के भी लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे, ये भावना है हमारी कि न्याय मिले। लोगों के खिलाफ अभियान का प्रश्न है। कमलनाथ जी ने एक रास्ता दिया, शिवराज जी ने उसको अपनाया। मैं मानता हूं कि जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, सालों साल से किसी न किसी रूप में अपने खून के आंसू रो रहे हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, और जब न्याय मिले तो कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी। पर दो तरह का भूमाफिया है माफिया, एक बीजेपी के माफिया, उनको हम अलग करते हैं, वो दूध के धुले हुए बीजेपी की वॉशिंग मशीन से निकल के आए हैं, उनको डुबो के बाहर लिया और बाकियों पर कार्रवाई हो। एक मुख्यमंत्री दो आंख से नहीं देख सकता है, एक प्रशासन दो आंख से नहीं देख सकता। कार्रवाई होनी चाहिए, सब पे होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, और न्याय मिलना चाहिए। कांग्रेस इसकी पक्षधर है।